हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्लैमर एंड गोसिप। मैं विनोद कुमार हाजिर हूँ आज की ग्लैमरस गोसिप के साथ। आइए डालते हैं इन पर नज़र। फिल्म कथल में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगी अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा। दंगल फिल्म में रेसलर बबीता फोगाट के रोल से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा नेटफ्लिक्स की फिल्म कथल में नज़र आने वाली हैं। इस फिल्म का उनका पहला लुक भी सामने आया है, जिसमें वह पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए दिख रही हैं। उनके इस नए लुक को फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। फिल्म का प्रोमो अपने इंस्टाग्राम में शेयर करते हुए सान्या लिखती हैं, लापता कातिल कथल की तलाश जारी है, कहीं आपने उन्हें देखा, ढूंढने आ रहे हैं हम इंस्पेक्टर महिमा। प्रोमो से साफ पता चलता है कि सान्या इस फिल्म में एक युवा पुलिस अधिकारी की भूमिका में है। ड्रामा मूवी कथल महिला प्रधान फिल्म है जो एक छोटे से शहर पर आधारित है। यह पूरी फिल्म एक स्थानीय नेता के आसपास घूमती नजर आती है, जिसके कटहल यानी कथल गायब हो जाते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए महिला पुलिस अधिकारी महिमा यानी सान्या मल्होत्रा की ड्यूटी लगाई जाती है। फिल्म कथल में सान्या मल्होत्रा के साथ अनंत जोशी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। हास्य ड्रामा तथा रहस्य भरी इस फिल्म का निर्देशन यशवर्धन मिश्रा ने किया है तथा लेखन भी अशोक मिश्रा के साथ उन्हीं ने किया है। बता दूं कि अपनी फिल्म लव हॉस्टल की सफलता से उत्साहित सान्या इस फिल्म को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं। कथल से पहले भी अभिनेत्री OTT प्लेटफॉर्म पर लूडो पगलेट जैसी सफल फिल्में कर चुकी हैं। वकील साहब कहते हैं कि हमने इस केस को कबूतर की अंतड़ियों जैसा उलझा दिया है, मगर उनको कौन समझाए कि हम खुद ही इस केस के कारण कबूतर की तरह इते उते फड़फड़ा रहे हैं। फिल्म बच्चन पांडे में डायरेक्टर का रोल प्ले करती दिखेंगी कृति सेनन। आगामी 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही फिल्म बच्चन पांडे में अभिनेत्री कृति सेनन एक फिल्म डायरेक्टर का किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। एक कलाकार से जब फिल्म डायरेक्शन के बारे में पूछा गया तो वह कहती हैं कि अपने काम के दौरान हम बहुत से प्रतिभाशाली निर्देशकों को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक निर्देशक के पास सेट पर सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि वह उस फिल्म उस सेट का प्रमुख होता है। एक कलाकार के रूप में एक बार जब आप निश्चित संख्या में फिल्मों से गुजरते हैं तो आप जितना सोचते हैं उससे अधिक उसमें डूब जाते हैं, और देखते ही देखते आपको समझ आने लगता है कि निर्देशक अपनी नज़रें अपनी प्रक्रिया और तौर तरीके से आपको कितना प्रभावित करता है। बता दूं कि फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित फिल्म बच्चन पांडे में कृति सेनन के साथ जैकलिन फर्नांडिस, अक्षय कुमार, अर्शद बारची, पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा जैसे कलाकार प्रमुख भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म खोसला का घोसला के सीक्वल में नज़र आ सकते हैं आयुष्मान खुराना। हाल ही में बहुत चर्चित फिल्म झुंड रिलीज हुई, जिसमें महानायक अमिताभ बच्चन प्रमुख रोल निभाते हुए नजर आए। यह फिल्म प्रोड्यूसर सविता हायरमथ के होम प्रोडक्शन में बनी है। सविता ने ही सुपरहिट फिल्म खोसला का घोसला बनाई थी, बल्कि ये कहें कि उन्होंने इस फिल्म से बतौर प्रोडक्शन बी टाउन में एंट्री की थी। वह कहते हैं कि जब उन्होंने यह फिल्म बनाई थी तो लोग उन्हें सलाह देते थे कि फिल्म में किसी बड़े कलाकार को शामिल करो, साथ ही फिल्म में कुछ आइटम नंबर रखो ताकि फिल्म सफल हो, नहीं तो फिल्म फ्लॉप हो सकती है। लेकिन प्रोड्यूसर ने उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, फिर भी फिल्म सुपरहिट रही। अब झुंड फिल्म की रिलीज़ के बाद एक बार फिर वह घोसला का सीक्वल बनाने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म के सीक्वल में आयुष्मान खुराना को कास्ट किया जा सकता है। इस बारे में सविता कहती हैं कि पुरानी स्टार कास्ट तो रहेगी ही, लेकिन जिस तरीके से कंटेंट को समझते हुए आयुष्मान फिल्म करते हैं, ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि हम उनके साथ ये फिल्म करें। यानी हम यह मान सकते हैं कि घोसला का घोसला 2 में आयुष्मान प्रमुख रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। ग्लैमर एंड गोसिप में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले गोसिप अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।